पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग व्हाइट कैसल में हुई। मीटिंग में कालका शहर का नाम कालिकज करने बारे प्रस्ताव पारित। पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग व्हाइट कैसल में एसोसिएशन प्रधान संतराम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में शहर के व्यापारी, दुकानदारों के अलावा संस्थाओं के लोगों ने भाग लिया। मीटिंग में सभी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि कालका शहर का नाम कालिका जी के नाम से रखा जाए। इस संबंध में श्री महाकाली सेवा संघ कालका पिंजौर की ओर से सभी ने इस प्रस्ताव पर समर्थन दिया और सभी ने कहा कि इस प्रस्ताव का सभी लोग समर्थन करते हैं और श्री महाकाली सेवा संघ कालका पिंजौर की इस मांग से सहमत हैं। एसोसिएशन के प्रधान संतराम शर्मा ने कहा कि कालका का नाम काल से पड़ता है, जो एक राक्षस के नाम से भी जाना जाता है, और दिन में कितने लोग काल नाम को बोलते हैं, जबकि माँ कालिका देवी के नाम से तो शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं। इसलिए कालका शहर का नाम बदलकर कालिका जी के नाम से करने संबंधी कालका और पिंजौर की सैकड़ों संस्थाएं इस संबंध में हस्ताक्षर करें, जिसके बाद इन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी अवगत कराने का काम एक संयुक्त साइन किए गए ज्ञापन पत्र के माध्यम से मिलने का काम किया जाएगा। हमारा जो शहर है काल का अगर आप इसको अलग अलग पढ़ें काल का, तो ये काल का शहर जो है, काल का मतलब सभी समझते हैं। काल का एक राक्षस का नाम भी हुआ है जिसका वध माँ कालिका ने किया था। ये नहीं पता कि इसका नाम पहले तो कालिका था, ऐसा हमें हमारे गुरुओं ने बताया है कि कालिका ही इसका नाम था पहले। ये कब चेंज हुआ है, ये मुगल टाइम में हुआ है या अंग्रेजों के टाइम में हुआ है, ये हमारी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है कि जो हमारे माता कालिका जी शहर का नाम है उसको बिगाड़ दिया है और हजारों लोग रोज एक राक्षस का नाम उच्चारण करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज कालका से गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं हमारे साथ, पंजौर के गणमान्य व्यक्ति हैं। हम सभी ने बैठ के ये सलाह की है, मशवरा किया इनके साथ, और सभी ने सहमति दी है कि ये बहुत ही अच्छी बात है और ये एक यज्ञ के समान है, इसमें आहुति डालनी चाहिए। और सरकार से हमारी प्रार्थना रहेगी कि हम जो है इसको कालिका जी करा के रहें, ताकि भविष्य में जितना भी इसका उच्चारण किया जाए वो माँ कालिका जी के नाम का होगा। कालका काली माता के नाम पे ही हमारा जो है इस क्षेत्र का नाम पड़ा हुआ है और इसी के नाम पे अभी अगर कालिका जी रखा जाए इसका नाम, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो लोगों के मन में एक भ्रम पैदा होता है काल के नाम पे, भाई ये थोड़ा अशुभ होता है, और जब हम इसको कालिका जी के नाम पे रखेंगे तो थोड़ी एक शुद्धिकरण की बात आ जाती है। यहाँ पे वेदों शास्त्रों के हिसाब से तो ये कालिका जी होना चाहिए इनका नाम।